विधानसभा अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कहा, इस विधानसभा चुनाव में भाजपा की स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा में तीसरी बार बने, इसी शुभकामना के साथ हमने आज चुनाव कार्यालय की शुरुआत की है। भाजपा की स्पष्ट बहुमत की सरकार जनता के आशीर्वाद से बनेगी। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला के बयान पर उन्होंने कहा, यह अच्छी सोच है और इस सोच को वो बनाए रखें, वो कुछ भी करें, कुछ भी बयान दे, वे स्वतंत्र हैं, उनका विचार जनता के बीच जाएगा और जनता उस पर विचार करेगी। हमें जनता की जरूरत है और प्रदेश की जनता भाजपा के साथ है। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो पूरे हरियाणा प्रदेश के 90 की 90 विधानसभाओं में चुनावी अभियान की शुरुआत, रोहतक चुनाव कार्यालय जो मुख्य रहेगा उसका हवन यज्ञ करके आज शुरुआत की है, और भारतीय जनता पार्टी की 2024 के इस विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत की सरकार, डबल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की बने, इसी शुभकामना के साथ आज हमने शुरुआत की है। और हरियाणा प्रदेश की जनता का मन बना है कि अब की बार हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार जनता जनार्दन के आशीर्वाद से बनेगी। आपके सहयोगी रहे दुष्यंत चौटाला ने बोला है वो किसी कीमत पर आगे बीजेपी के साथ नहीं जाएगा, ये अच्छी सोच है और इस सोच को वो बनाए रखें तो बढ़िया रहेगा। एक सवाल और है, उन्होंने ये कहा है कि अगर हमारे नंबर्स आए और हमारी पार्टी को तवज्जो मिली तो इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं। वो कुछ भी करें, कुछ भी बयान दें, स्वतंत्र हैं और राजनीतिक पार्टी है, उनका विचार जनता के अंदर जाएगा और जनता उस पर विचार करेगी। जेजेपी की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें हरियाणा प्रदेश की जनता की जरूरत है और वो हरियाणा प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और उसी का आशीर्वाद लेके स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएंगे। बिना गठबंधन किसी की जरूरत नहीं, भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनेगी।